नमस्कार, मैं विकास ये सलूशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर मारुति सुजुकी से जो भी अप्रेंटिसशिप करना चाहता है तो यहाँ पर मारुति सुजुकी में अप्रेंटिसशिप का रजिस्ट्रेशन चल रहा है, जिसकी लास्ट डेट जो है 25 जनवरी निर्धारित की गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं मारुति सुजुकी की ऑफिशियल साइट पर हूँ। तो यहाँ पर क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगी, किस किस ट्रेड के कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे, तो यहाँ पर मैं पूरा विस्तार से बात करने वाले हैं। यदि दोस्तों वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी यह जानकारी मिल सके। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले आपको हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो यहाँ पर चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपको यहाँ मारुति सुजुकी की जो ऑफिशियल साइट है, मैंने इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से अप्लाई कर सकेंगे। तो यहाँ पर हम नीचे की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को नीचे मिल रहा होगा, सबसे नीचे ये यहाँ पर इस तरीके से ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पर वर्कमैन हियरिंग आईटीआई लिखा हुआ है, तो यहाँ पर इसके नीचे एक्सप्लोरर नाउ लिखा है, तो आपको इस एक्सप्लोरर नाउ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप एक्सप्लोरर नाउ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पॉपअप इस तरीके से ओपन होगा, जिसमें यहाँ पर आपको अप्रेंटिस और टेम्परेरी वर्कमैन देखने को मिल रहा होगा। टेम्परेरी अप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर अप्रेंटिसशिप का जो है रजिस्ट्रेशन शिप ओपन है, तो यहाँ पर अप्रेंटिस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर ओवरव्यू में आप जानकारी थोड़ा मैं आपको दे दूँ। यहाँ पर जो मारुति सुजुकी जो है इंडिया की नंबर वन प्रोडक्शन में कंपनी है, ये कार मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो यहाँ पर इसकी जो है जॉब लोकेशन है वो गुड़गांव मानेसर में रहने वाली है। जो यहाँ पर आपकी अप्रेंटिस की ड्यूरेशन रहेगी वो वन ईयर रहेगा और आपको स्टाइपेंड जो मिलेगा तकरीबन 15,000 रुपये, जो कि आपको अकाउंट के माध्यम से मिलेगा हर मंथ। और आपको अदर कंपनी की जो फैसिलिटी हैं, आपको सब्सिडाइज्ड मील यूनिफॉर्म एंड शूज पर कंपनी पॉलिसी के हिसाब से आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पर सिलेक्शन का प्रोसेस जो है, तो इस पर क्लिक करके पूरी जानकारी लेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के विषय में। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ट्रेड्स देखने को मिल रही होगी। तो यहाँ पर फिटर, वेल्डर, पेंटर, जनरल इलेक्ट्रीशियन, टर्नर, डीजल मैकेनिक, कोपा मशीनिस्ट, टूल एंड डाई मेकर, मैकेनिक मोटर व्हीकल, ट्रैक्टर मैकेनिक, फाउंड्री मैन, ड्राफ्ट मैन, मैकेनिकल, इन ट्रेडों से अगर आपने आईटीआई पास किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और आपकी उम्र जो है 18 से 23 वर्ष होनी चाहिए ऑन द डे ऑफ ज्वाइनिंग। ज्वाइनिंग के दौरान आपकी उम्र 18 से 23 वर्ष होनी चाहिए, तभी आप यहाँ पर अप्रेंटिसशिप कर पाएंगे। और जो आप आईटीआई है, आपने एनसीबीटी या एससीबीटी से किया है, एनसीबीटी एससीबीटी दोनों मान्य है। यहाँ पर आपका जो इंस्टीट्यूशन का टाइप है, आप यहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट आईटीआई से यदि आपने आईटीआई किया है तभी आप एलिजिबल हैं। और आपने पासिंग ईयर 2018, 19 और 20 में यदि किया है तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यदि आपने 2018 से पहले आईटीआई किया है तो इसके लिए आप एलिजिबल नहीं हैं। और जो आपका सिलेक्शन का प्रोसेस है, यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस पर क्लिक करके सिलेक्शन के विषय में हम आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं। तो यहाँ पर ऑनलाइन असेसमेंट, टेक्निकल एप्टीट्यूड एंड बिहेवियरल जो आपका टेस्ट होगा वो रिटर्न टेस्ट होगा, रिटर्न ऑनलाइन टेस्ट होगा। और उसके बाद में जब आप उससे क्वालिफाई होंगे, उसके बाद में आपका पर्सनल इंटरव्यू जो होगा एचआर एंड टेक्निकल में, उसके बाद में आपका अटेंडेंट वेरिफिकेशन होगा, प्री मेडिकल चेकअप, मेडिकल चेकअप जो कंपनी में होगा जब आपको ज्वाइनिंग के लिए बुलाया जाएगा। ये इसकी ज्वाइनिंग का प्रोसेस है। तो यहाँ पर आपको अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई ये यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा अप्लाई नाउ लिखा है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो अगला पेज कुछ इस तरीके से ओपन होगा। तो यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहा होगा डिटेल्स एंड प्रोसेस। तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखी है, तो एज बिटवीन 18 से 23 ईयर ऑन द डे ऑफ ज्वाइनिंग, यानी ज्वाइनिंग के दौरान आपकी उम्र 18 से 23 वर्ष होनी चाहिए। और क्वालिफिकेशन यहाँ पर लिखी है आईटीआई पास आउट, गवर्नमेंट आईटीआई ओनली, आईटीआई एससीबीटी एनसीबीटी दोनों मान्य है। और आपकी जो लास्ट डेट है, यहाँ पर इन्होंने क्लियर बोल दिया है, जो लास्ट डेट जनवरी 2021 11:59 निर्धारित की गई है। आप 25 जनवरी से पहले आप अपना
फॉर्म कंप्लीट यहाँ से फिल कर दीजिए, और जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो भी यहाँ पर दिखाया जा रहा है, तो मैंने आपको पहले बता दिया है। रजिस्ट्रेशन जो आपका होगा वो 3 स्टेप में होगा। पहले आपको प्राइमरी ईमेल आईडी डालनी होगी, और उस ईमेल पे जो ओटीपी जाएगा उसको डाल के आपको ईमेल को वेरीफाई करना होगा। जैसे आप इसको वेरीफाई करेंगे ओटीपी डाल के, तो आप 3rd स्टेप में पहुंच जाएंगे, जहां पर आपको अपना पूरा डाटा भरना होगा, जैसे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अपना व्यक्तिगत डाटा है, और पूरा यही पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पर भरना होगा। तो यहाँ नीचे आपको आना है, तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप पे योर ईमेल आईडी लिखा है, तो आपको यहाँ पर ईमेल आईडी फिलअप करनी है, और इधर सबमिट करेंगे। जब सबमिट करेंगे तो एक ईमेल पर ओटीपी जाएगा, फिर ओटीपी को आप यहाँ पे डाल के अगला पेज आएगा, तो वहाँ पे डाल करके सबमिट करेंगे, तो आप डायरेक्टली 3rd स्टेप में पहुँच जाएंगे। आप वहाँ पर फॉर्म को फिल कर पाएंगे। इसका मैंने पहली वीडियो अप्लाई कैसे करना है उसका बना दिया है, तो आपको अप्लाई कैसे करना है इसके लिए आप वीडियो में दिए गए डिस्क्रिप्शन, वीडियो का दिया हुआ लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से उस वीडियो को देखकर आप अपना फॉर्म अप्लाई कर लीजिए। दोस्तों, यदि वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि उन्हें भी यह जानकारी मिल सके। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले आपको हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। नमस्कार, थैंक यू। Thanks for watching.